भूख लगी है, कुछ खाने को दे। जी मैं अभी आया। वो उठ के स्ट्रीट लाइट के पीछे घर की रसोई से थाली में रखा हुआ खाना लेकर बाहर आया। अब बाबा ये लीजिए। अघोरी उसके हाथ से खाना खा लेते हैं। तूने मुझे खाना दिया, बोल तुझे क्या चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई एक चीज से मेरा क्या होगा, आपको जो समझ आए दे दीजिए। जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब भी तू हाथ उठाकर मन में कुछ मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा और जहाँ तू चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा। और अपनी पोटली से भस्म निकालकर राजू के ऊपर छिड़कते हैं और उस भस्म के धुएं में अंतर ध्यान हो जाते हैं। वरदान तो मिला है, देखता हूँ ये काम करता है या नहीं। राजू आंख बंद करके हवा में हाथ उठाता है और मन में कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दही जलेबी चाहिए। उसके सामने एक थाली जलेबी और दही आ जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। फिर बैठकर दही जलेबी मजे से खाने लगता है। राजू मजे में बाजार में टहल रहा है। गांव के ताऊ राजू से, अरे राजू क्या बात है, आजकल तुम बहुत घूमते रहते हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं दिखते। नहीं करता, मुझे अब कोई पढ़ाई बढ़ाई की जरूरत नहीं। बेटा पढ़ने लिखने की जरूरत तो सबको होती है, तुम्हें कैसे नहीं। कहा ना मुझे नहीं है, मैं ऐसे ही सब कुछ पा सकता हूँ। ताऊ राजू की झुंझलाहट देख करके चुपचाप आगे निकल जाते हैं। इन लोगों को क्या पता कि मेरे पास शक्ति है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत। राजू आगे बढ़ता है और उसे कपड़े की दुकान में लगी शर्ट अपने लिए अच्छी लगती है। राजू खुशी से आंखें चमकाते हुए, ये कपड़ा मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। राजू हाथ ऊपर करके मन में, ये कपड़ा मेरे घर की अलमारी में पहुंच जाए। और वो कपड़ा वहां से गायब हो जाता है। दुकानदार परेशान होते हुए बाहर आता है। अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया, हे भगवान ये कैसा जादू है। राजू दुकानदार को परेशानी में देख कर हंसता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़के उसे एक जेवर की दुकान में टंगी सोने की चेन देखकर आंखें खुशी से बड़ी करते हुए, ये चेन तो सिर्फ मेरे लिए बनी है। राजू हाथ ऊपर करके मन में, ये सोने की चेन मेरे घर की अलमारी में पहुंच जाए। दुकानदार परेशान होते हुए, अरे मेरा सोना कहाँ गया, हे भगवान ये क्या हो रहा है। राजू दुकानदार की परेशानी देखकर हंसता है और आगे बढ़ जाता है। राजू अपने घर पर अलमारी से कपड़े और सोने की चेन को निकाल के देखता है। आज तो मजा आ गया, ये सब मैंने ले लिए और किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, मेरी तो मौज हो गई, जो चाहूंगा वो मेरा। गांव के लोग आपस में, पता नहीं क्या हो रहा है, रोज हमारी कोई चीजें गायब हो रही हैं। कल इस गरीब सब्जी वाले की सब्जियां भी अपने आप गायब हो गईं। पता नहीं हमारे गांव में कोई भूत आ गया है लगता है। राजू पास से गांव वालों की बातें सुनकर मुस्कुराता है और मन में कहता है, इन लोगों को नहीं पता कि जिस भूत की ये बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। फिर मुस्कुराता है। राजू बाजार में जा रहा है। पीछे से बूढ़ा भिखारी, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है? मेरे पास बस ये सोने की गेंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए, आगे बढ़ो बाबा। राजू मुड़ता है और हवा में हाथ ऊपर करके मन में, ये सोने की गेंद मेरे पास आ जाए। गेंद राजू के हाथ में आ जाती है। एक बूढ़े आदमी को सोने की गेंद की क्या जरूरत। बूढ़ा भिखारी अपनी सोने की गेंद को गायब देखकर परेशान होकर, अरे मेरी सोने की गेंद कहाँ गई, मेरी सोने की गेंद अभी तो मेरे पास थी, कहाँ गई। राजू बूढ़े भिखारी की बात को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से तेज आवाज आती है, रुको। राजू मुड़ता है, पीछे वही अघोरी बाबा खड़े होते हैं जिन्होंने राजू को वरदान दिया था। मैंने तुझे वरदान चोरी और दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं दिया था,
मैं तुझसे तेरा वरदान वापस लेता हूँ और आज से और अभी से तेरी शक्तियाँ तुझसे छीनता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मैं अब कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, हमेशा लोगों की मदद करूँगा। मैं लालची हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तुझे तेरी गलती समझ आ गई, इसलिए मैं तुझे इतनी शक्ति देता हूँ कि तू अपनी भूख मिटाने के लिए खाना मांग सकता है। अब जा हिमालय की ओर। राजू आंसू पोंछते हुए, धन्यवाद बाबा, मैं अपना सारा जीवन शिव भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दूंगा। तब तक अघोरी बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और राजू सर झुकाए हाथ जोड़कर वहीं खड़ा रह जाता है।